और अब मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको बताते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत के मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही रात करीब 9:45 तक चली। वजह किसानों से जुड़े 3 विधेयक थे जो लोकसभा में पास हो गए। विरोध का कारण बने ये बिल हैं, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। नए विधेयक के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले किसानों के फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था। वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर भी काम करना शुरू किया है, जिससे विपक्ष नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। किसानों को आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। जय किसान। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पूरी खबर आप देखिए 60 सेकंड्स में। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर के कारेवा इलाके में कल 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है, यानी देश के रक्षकों ने पुलवामा जैसे हमले को रोक दिया। आतंकियों ने इन विस्फोटकों को पानी की टंकियों में छिपाकर रखा था। विस्फोटकों के 416 पैकेट बरामद किए गए हैं। हर एक का वजन 125 ग्राम था। मौके से 50 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। इन विस्फोटकों को सुपर 90 या S-90 के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर यह विस्फोटक पाए गए हैं उसके पास ही बीते साल पुलवामा हमला हुआ था। पिछले साल पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने IED से भरी एक कार का इस्तेमाल किया था, जिससे CRPF जवानों के काफिले से टक्कर मार दी गई थी। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर में शांति के लिए जारी कोशिशों की तारीफ की। सेना प्रमुख ने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और चिनार कोर कमांडर के बीच भी शिरकत की। सेना प्रमुख आज वापस दिल्ली आ जाएंगे। आज बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलेगी। 86 साल बाद बिहार के लोगों का कौन सा सपना पूरा हो रहा है, एक मिनट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार के मिथिलांचल के लोगों का ये सपना 86 साल बाद पूरा होने जा रहा है। आज से कोसी क्षेत्र के मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। कोसी महासेतु को 516 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कोसी रेल महासेतु के अलावा प्रधानमंत्री आज बिहार में रेलवे की दूसरी 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। आज PM मोदी 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में इसी साल नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। वहीं मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रच रहा है, जानिए सिर्फ 60 सेकंड्स में। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद आजकल सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद ने पाकिस्तान के 45 शहरों में दफ्तर खोला है। यहां पर बड़ी संख्या में युवाओं को हाफिज सईद की साइबर टीम से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर आतंकियों को सोशल मीडिया से जोड़ रही है। इन आतंकियों को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बताया जाता है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए हजारों लोग हाफिज सईद के साथ काम कर रहे हैं। हाफिज की सोशल मीडिया टीम #hashtag के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। हाफिज सईद की सोशल मीडिया टीम को JUD साइबर टीम के नाम से भी जाना जाता है। इस साल दिल्ली में हुए दंगे और CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान JUD साइबर सेल से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए। साइबर एक्सपर्ट INNFU की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाफिज सईद भारत के खिलाफ गेम्स ऐप का भी सहारा ले रहा है। खाड़ी देशों को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कैसे चेताया, देखिए 60 सेकंड्स में।
भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव लगातार जारी है। इस मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता, चीन की कथनी और करनी में फर्क है, चीन ने पेट्रोलिंग में बाधा डाली इसीलिए हिंसा हुई। रक्षा मंत्री ने चीन को यह भी बता दिया कि भारतीय सेना हर मुकाबले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी लद्दाख का दौरा करके जवानों का उत्साह बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन ने LAC की यथास्थिति को बदलने की भी कोशिश की है। एक मिनट में जानिए सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या नया हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह केस से जुड़ी वो बैंक डिटेल्स हैं जिसमें इस केस की कई परतें खुल जाएंगी। जी न्यूज के पास मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां कहां खर्च किया। इन बैंक डिटेल्स में लिखा है कि 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी जिसके विवरण में आगे 40,000 का ब्यौरा दिया गया है। NCB सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री पर ड्रग्स लेने का भी शक है। रिया और दीपेश शाह ने NCB की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया। अभिनेत्री सारा अली खान के बाद अभी अभिनेत्री भी NCB के रडार पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में सुशांत केस को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा बयान नितेश राणे का है। सुशांत मौत केस में बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने जी न्यूज से खास बातचीत की। नितेश राणे ने सुशांत मामले में कुछ अहम खुलासे किए। नितेश राणे ने कहा कि इस मामले की जांच दिशा सालियान के मौत के एंगल से करनी चाहिए। सुशांत मामले में नितेश राणे ने जी न्यूज को बताया कि दिशा की मौत के वक्त उनके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय वहीं मौजूद थे और वो उनकी मौत का राज जानते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रोहन रॉय को सिक्योरिटी देने की बात भी कही गई है ताकि मामले में जांच पड़ताल अच्छे से हो पाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए कि जो 13 तारीख को या 14 जून को जो सुशांत के साथ हुआ उसका डायरेक्ट लिंक 8 तारीख का है, 8 जून का है, जो दिशा सालियान की उस दिन उस रात को मौत हुई। शर्जील उस्मानी कौन है, क्यों उसका विरोध हो रहा है, एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार हुए शर्जील उस्मानी ने जमानत मिलने के बाद फिर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के बयान का अयोध्या के संत समाज ने विरोध किया है। जो देश विरोधी अराजक तत्व हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह के अराजक तत्व दिखाई पड़े उनको जो है तत्काल उनको दंडित किया जाना चाहिए कि जिससे वो दूसरे को भड़का न सके और देश में अमन चैन शांति कायम रहे। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिमों को अब सड़कों पर उतरना होगा, हिंदुत्व को हराना होगा। शर्जील के भड़काऊ बयान के बाद BJP ने UP DGP को चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। के लिए 1,000 पीढ़ियां उतर जाएंगी तब भी ये बाबरी का निर्माण संभव नहीं है। अब जो है हिंदू जागृत हो चुका है, लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग से वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भड़काऊ बयान देने के मामले में तो स्वाभाविक तौर पर मुकदमा होगा और ये जेल काटेंगे। वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है, जानिए ताजा अपडेट 60 सेकंड्स में। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में अब तक 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में मरीजों की कुल संख्या 51,18,254 हो गई है। कोरोना से अभी तक 83,198 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 40,25,080 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल भारत में 10,09,976 एक्टिव केस हैं।
बीते 24 घंटों में कोरोना के 97,894 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 1,132 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 9,36,095 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। ऐसे में अब पूरी दुनिया सिर्फ वैक्सीन के आने का इंतजार कर रही है ताकि इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सके और लोग पहले की तरह आजादी से जी सके। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रचार के लिए इस बार कौन नई चीजें इस्तेमाल कर रहा है और क्या हो रहा है, जानिए सिर्फ एक मिनट में। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के दौरान होने वाले चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के द्वारा बैनर, पोस्टर और टी शर्ट वगैरह के साथ साथ मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही प्रदेश का सियासी तापमान गर्मा चुका है। राजनीतिक दलों के नेता अपने वो अपने दल के प्रचार का हर फायदेमंद तरीका आजमा रहे हैं। मास्क पर पार्टियों के निशान और प्रत्याशियों की फोटो लगाई जा रही है जिन्हें वोटर्स और समर्थकों के बीच बांटा जा रहा है। नेता इसे सेहत के साथ साथ प्रचार का जरिया भी बता रहे हैं। अच्छा लगता है, हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि इस प्रकार की मास्क बनवा करके हम लोगों को दिया जाए। ये अभी हम लोगों ने लाखों की संख्या में मास्क अपने अपने क्षेत्रों में बांटा है। डिमांड अधिक होने की वजह से पटना के वीरचंद्र पटेल मार्ग की जिन दुकानों पर पहले कुर्ता पायजामा और पार्टियों के झंडे बिकते थे, अब वहां राजनीतिक दलों के मास्क बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के मास्क की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.